विज्ञान क्लास 9। हमारे परिवेश के पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध पैदा करे। दूसरा प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं? पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो उसे द्रव्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ के भौतिक प्रकृति को बतावें। पदार्थ की भौतिक प्रकृति इस प्रकार है। पहला, पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अंतिम इसका पॉइंट पांचवा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अगला प्रश्न, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं? पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस किसे कहते हैं? ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, कोयला इत्यादि। अगला है, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु आयतन निश्चित होते हैं, जैसे पानी, तेल इत्यादि। गैस किसे कहते हैं? गैसीय पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतराणुक आकर्षण बल क्या है? पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करती है जिसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। अंतराणुक स्थान किसे कहते हैं? जवाब है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों के गुणों को बतावें। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसमें अंतराणुक स्थान बहुत कम एवं अंतराणुक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही दूर जा सकते हैं। इसलिए ठोस का आकृति कायम रहता है तथा आयतन भी स्थिर रह पाता है। अगला प्रश्न है, घनत्व क्या है? किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व का एसआई मात्रक केजी मीटर टू द पावर -3 होता है। ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं क्यों? मजबूत अंतराणुक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ का कण मजबूती से बंधे होते हैं। बाहर से दाब पड़ने पर इसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। अगला प्रश्न, क्वथनांक क्या है? जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। द्रव्यमान क्या है? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाए वह ताप उसका द्रव्यमान कहलाता है। संघनन क्या है?
किसी गैस या वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। उद्पातन क्या है? किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में बदलना उद्पातन कहलाता है। उद्पात क्या है? उद्पात के परिणाम स्वरूप प्राप्त ठोस उद्पात कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिमांक क्या है? जिस ताप पर द्रव ठोस के रूप में परिवर्तित होता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। द्रव के सामान्य गुण बतावे। द्रव की आकृति अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होते हैं। द्रव के कण एक दूसरे के ओर निकट नहीं जा सकते और न ही एक दूसरे से और अधिक दूर जा सकते हैं, इसीलिए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है, क्यों? ये प्रश्न है। किसी पदार्थ के ठोस अवस्था की तुलना में उसके द्रव की अवस्था में अंतराणु का स्थान अधिक होता है, इसलिए द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है।